तो फ्राइडे का और सैटरडे का पहले सैटरडे का बात करते थे क्योंकि सैटरडे को ऑल सैन डन ट्रेडिंग तो हुई है तो सैटरडे को 44 फोर करोर एफ ने बेचे और 82 टू करोर एफ ने बेचे ऑब्वियसली वॉल्यूम काफ़ी कम थे और उससे पहले वाला बार्स लेकर आइए लेकिन उससे पहले वाले बार्स बहुत इंटरेस्टिंग थे क्योंकि उससे पहले वाले दिन एफ ने भी बाय किया और डी ने भी बाय किया ये बहुत इंटरेस्टिंग था और शायद इसीलिए सैटरडे को मार्केट हल्का सा गिर गया क्योंकि दोनों का बाय नंबर था बारह सौ नवासी करोड़ और तेरह अड़तीस सौ पंद्रह करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है वो मैं सैटरडे का ही देख रहा था क्योंकि सैटरडे को ठीक ठाक डेटा था इंडेक्स फ्यूचर्स का वन नाइन्टी सेवन करोर की बाइंग थी और थ्री ट्वेंटी नाइन करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स चौंसठ करोड़ की सेलिंग थी बैंक निफ्टी में और दो सौ साठ करोड़ की बाइंग थी निफ्टी फ्यूचर्स में अमूमन फ्राइडे भी ठीक ठाक ही एक्शन था उसके अलावा लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट जो वीरू रोज सुबह भेजते हैं एक बार वो चार्ट देख लेते हैं ये देखिए अब ये लॉन्ग शॉर्ट अब वापस एफ जो है वो थर्टी के करीब लॉन्ग है सिक्सटी के करीब शॉर्ट है दो चीज़ें मैं सेटअप में जोड़ रहा हूँ एक तो इंडिया विक्स वापस पंद्रह पर आ गया हमने एक बात की थी कि हमारी इंडिया विक्स जो रेंज रही है उसमें जब जब वो सोलह का क्रॉस कर रहा है वहाँ से एक वापस कूल ऑफ मिला है और ये अच्छी बात है कि वापस हम पंद्रह के नीचे आ गए तो उसने स्पेस दे दिया मार्केट को थोड़ा कुशन दे दिया है सोलह तक का पुट कॉल रेशो लेकिन थोड़ा सा नाशिश बढ़ गया है बस एक एक ही सेटअप में मुझे नेगेटिव लग रहा है पुटकॉल रेशो वन पॉइंट पर आ गया है आपको याद होगा जो हमने फ्राइडे की बड़ी रैली की बात की थी तब पुटकॉल रेशो पॉइंट सिक्स पर था जब uh, पिछले थर्सडे बात हुई थी है। अब पॉइंट से बढ़कर हम आ गए हैं वन पॉइंट पर तो एग्जैक्ट डबल हो गया है जो पुट कॉल रेशो था तो ये हमारी मार्केट बहुत जल्दी ओवरबॉड और ओवर सोल्ड uh, 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 हो जाती है हल्की सी ओवर है लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है स्पेशली लाज कैप्स में और बैन में जो एक स्टॉक पहले दिन आ गया था जी एंटरटेनमेंट वो अभी भी बैन में बना हुआ है तो सेटअप जो है वो न्यूट्रल मान के चल रही है सेटअप न्यूट्रल है लेकिन फ्राइडे सुबह से जो बातचीत हुई उसके थ्रू हमने चैनल पे तेजी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया खरीदारी करने की सलाह दी गई थी तब हमने पोजिशनल स्टॉप लॉस इक्कीस का रखा था ये फ्राइडे सुबह की चर्चा थी तब बातचीत हुई थी कि भाई अगला स्तर बाईस है ये फ्राइडे को चर्चा में आया था सेकंड मेरे ख्याल से आपने आफ्टरनून सेशन में मैंने कहीं नोट डाउन करा था बाईस पाँच सौ की फिर बातचीत हुई थी और लॉन्ग रखे और स्टॉप लॉस बढ़ाकर बाईस दो सौ पे लेकर आ गए थे हम लोग तो हमने फ्राइडे को बढ़िया अच्छा मोमेंटम में इनकैश करा सैटरडे को अपनी चर्चा नहीं हुई थी तो फ्राइडे के थ्रू ही अब आगे बढ़ा जाए हमने वो तेजी बुनाई हमने वो बढ़िया पोजिशन कैरी करी हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस मोमेंटम को अब करना क्या है आज के लिए पहले निफ्टी में देखिए आज मैं थोड़े से आ, एग्रेसिव लेवल्स दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट इस समय काफ़ी शानदार मूव्स दिखा रहा है आ, तो बाईस पाँच सौ से बाईस छः सौ तक का मुझे लग रहा है कि पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर आ, और यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक बार ले जाएगा और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी बाईस सात सौ से बाईस आठ सौ पर जहाँ पर आपका सबसे बड़ा ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं उनके प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट करके और सपोर्ट कहाँ पर है आपको पहला सपोर्ट मिलेगा बाईस दो सौ पचास से बाईस तीन सौ ये थोड़ा सा नियटम लेवल है और बड़ा सपोर्ट है आपका बाईस हज़ार पचास से बाईस हज़ार एक सौ के बीच में स्ट्रैटी मेरी क्या रहेगी स्ट्रैटजी मेरी रहेगी ट्रेंडिंग मार्केट में आपको फर्स्ट सपोर्ट पे बाय करना होता है और सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखना होता है तो फर्स्ट सपोर्ट अगर आपको मिल जाए किसी भी कारण से, से बाईस से बाईस अभी ज़रूरी नहीं है कि बाइस एग्जैक्टली इसी जोन में आना चाहिए बाईस भी वो लेवल होता है टेक्निकली तो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास बाय करने की कोशिश करें और एक सेकेंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो वही जो हमारा बाईस हज़ार सैंतालीस के आसपास का स्टॉप लॉस है वही रहेगा तो पोजिशनली आप लॉन्ग रहें और बाईस एक सौ पचास से बाईस दो सौ तक की हर डिप को बाय करें उसके बाद की डिप को बाय ना करें क्योंकि उसके बाद आप बहुत क्लोज होंगे उस स्टॉप लॉस के तो इसके लिए फिर डिप यहाँ तक बाय करनी है आपको बाईस डेढ़ सौ से बाईस दो सौ तक की हर डिप को बाय करना है और उसके बाद सिस्टम में एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है वो बाईस हज़ार सैंतालीस वाला और देखना है शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में शॉर्ट मतलब करना है तो इंटर डे में पचास साठ पॉइंट मिल गए इधर उधर वो अलग बात है अपनी जगह वो ट्रेडर्स समझते हैं लेकिन पोजिशनली शॉर्ट इस मार्केट में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये मार्केट जो है कुछ कह रही है आपको लार्ज कैप्स में एटलीस्ट